हेलो फ्रेंड्स, आज हम जस्ट डायल के बारे में देखने वाले हैं। आप मेरी चैनल में नए हो तो आप जस्ट डायल के बारे में हमने अगले 3 मई को और 25 मई को दो वीडियो अब तक डिस्कस किए हुए हैं रिगार्डिंग द बायबैक अपॉर्चुनिटी। तो यहां आप देख सकते हो, ये मेरा स्क्रीनशॉट है चैनल का, तो जहां जाके भी देखते हैं जस्ट डायल की अपडेट के बारे। तो अभी आप देख सकते हो जस्ट डायल का रेट अभी चल रहा है 380 के करीब, और कल रात को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फॉर द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स जारी की गई है। आज उसका जो पोस्टल बेल आउट वोटिंग डेट था वो आज खत्म हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं जस्ट डायल का ये सर्कुलर जून 23 का, रिकॉर्ड डेट इन रिलेशन टू द बायबैक बाय द जस्ट डायल ऑफ इट्स इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10। उसमें आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज फिक्स्ड फ्राइडे July 3, 2020 एज द रिकॉर्ड डेट। सो July 3 को रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दी गई है। वो दिन पे इंटाइटलमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इन बायबैक, वो दिन इंटाइटलमेंट रेशियो डिक्लेयर किया जाएगा, और दूसरा नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर हु विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक प्रोसेस। पूरी ऑफर हम पहले देख लेते हैं। आज का रेट जस्ट डायल का 380 का है, बायबैक साइज 220 करोड़ की है, बायबैक प्राइस 700 का है, और आज के दिन हमको बायबैक से 320 रुपीज का प्रॉफिट मतलब प्रीमियम दिख रहा है। तो ये एक पूरी ऑफर है। सो अब हम यहाँ आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक नोट डिस्कशन हम कर लेते हैं, बैंड स्टॉक लिस्ट आज के दिन जस्ट डायल बैंड में है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल ऑफ द सेबी, बैंड स्टॉक्स में आप नई पोजीशन बना नहीं सकते हो। आपके पास कोई भी पोजीशन है उसको आप रिड्यूस ही करना है। पहले क्या होता था कि आपके पास कोई भी स्ट्राइक का कॉल पुट कुछ भी है तो वो मतलब काट के दूसरी स्ट्राइक पे आप शिफ्ट कर सकते थे। अब बैंड का नया एज पर द न्यू लॉ रूल, बैंड में जब भी स्टॉक चला जाता है यानी मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप से 20% का जो इक्विटी आता है वो बैंड क्राइटेरिया में कंसिडर किया जाता है। आपको पता नहीं है तो बैंड के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो इस केस में बैंड में आप कुछ नया पोजीशन फ्यूचर में क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब कल एक्सपायरी डेट है तो शायद हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन पोजीशन रोल ओवर करने का चांसेस नहीं है, तो अगले दिन शायद बैंड में से निकल सकता है। तो निकल सकता है तो हम एक पोजीशन उसका एक समरी देख लेते हैं कि समझो हमने पर अकाउंट 2 लाख का शेयर लिया है तो पर अकाउंट 500 शेयर्स आता है, 3 अकाउंट में लिया है तो 1500 शेयर्स हो गया, और हमारा बाइंग रेट आज का हम काउंट करते हैं तो 380 का है। फ्यूचर लॉट साइज 1400 की है। अभी जुलाई का फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है 16 रुपीज, तो हमने 364 का रेट लिया है। तो अभी हम 16 × 1400 करते हैं तो हमको अभी डिस्काउंट का जो लॉस होता है वो हो रहा है 22400 लॉस होता है। और अब हम मान के चलते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो बायबैक का 20% आ रहा है, और आएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी 22% के करीब आया था और इस टाइम भी 20% की उम्मीद की जा सकती है। तो अभी हम देखते हैं, 1400 हमारे पास फ्यूचर की लॉट साइज है, हमको 3 अकाउंट में 1500 शेयर्स यानी 1400 शेयर्स हम ले सकते हैं ताकि हमारा परफेक्ट आर्बिट्रेज हो सके, और मल्टीप्लाइड बाय करते हैं बायबैक प्रीमियम से तो हमको प्रॉफिट होता है 89600 का। उसमें से हम 22400 का जो हमारा डिस्काउंट लॉस है वो माइनस कर देते हैं तो भी हमको 67200 का प्रॉफिट बचता है। वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 380 × 1500, क्योंकि हमने 1400 शेयर लिए है तो 5,32,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, उस पर हमको 13% का मुनाफा मिल सकता है आने वाले 2-3 महीनों के टाइम में, क्योंकि
अभी कंपनी का रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हुआ है, अभी जब ये बायबैक ओपन होगा उसके बाद 15 दिन का टाइम रहेगा, उसके बाद उसका पेमेंट इनिशिएट होगा। तो आने वाले टाइम में आप समझो उसकी डेट एक महीने में भी आ जाती है तो हमको एक अच्छा सा प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। पर इस केस में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप भी जानते हो कि जुलाई 31st से जस्ट डायल इज एक्सक्लूड फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन व्हाइल दिस प्रोसेस विल टेक मोर मंथ। सो एज पर द लास्ट डील 5.5 महीने लगे थे प्रोसेस पूरी करने में, अभी 2 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं क्योंकि मई महीने के एंड में ये ऑफर आई थी। तो उस हिसाब से हम काउंट करते हैं तो हमारा जो अभी फ्यूचर से आर्बिट्रेट किया हुआ है उसका कोई इम्पोर्टेंस रहता नहीं है, क्योंकि जुलाई 31st के बाद हम उसको रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये आर्बिट्रेज अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमने ये आर्बिट्रेज आज के दिन इसलिए सीखा कि विप्रो HCL जैसी अच्छी कंपनी में भी काफ़ी बार बायबैक आता है, तो हम उसमें इसी तरह आर्बिट्रेज कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है क्योंकि 31 जुलाई से जस्ट डायल आउट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन हो जाता है। तो अभी हम समझो जुलाई अगस्त सितंबर में भी ये ऑफर आ सकती है, बायबैक ओपन होता है, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो अभी हमारे लिए ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और आप चाहो तो कर सकते हो पर मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि जिसमें हम कुछ ना कुछ तो अर्न कर सकते हैं। तो अनदर मैटर है एंटाइटलमेंट रेशियो, जून जुलाई 3 को एंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। लास्ट टाइम 2018 में आप देख सकते हो 2018 में एंटाइटलमेंट रेशियो था 61 शेयर पे 7 शेयर बायबैक हुआ था, इसका मतलब 11% शेयर हमारा बायबैक में चले गए थे। तो अभी हम उससे उस बेसिस पे काउंट करते हैं कि 10% भी शेयर हमारा चला जाता है तो हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारे पास 1400 का फ्यूचर है, 1400 हमने इक्विटी ले ली है, और उस हिसाब से हम 10% काउंट करते हैं तो 140 शेयर हमारा बायबैक में चला जाता है। तो उस हिसाब से हम 320 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 44800 का हमको यहाँ प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट आउट ऑफ इट, अभी 16 रुपीज का जो डिस्काउंट चल रहा है फ्यूचर में वो हमने लेस कर दिया है, तो नेट हमारे पास 22,400 रुपया बचता है, यानी 4% उसमें हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट से वो 22,400 यानी 4% का मुनाफा हमको आज 24 जून हो गई है तो आने वाले 10 डेज में हम कमा सकते हैं। 10 दिन का 4% रिटर्न हमको मिल सकता है। कंडीशन एक ही है कि हमारे पास नंबर ऑफ डीमेट 20 अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप तभी श्योर हो सकते हैं। एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब यही होता है कि आपके पास 61 शेयर्स रिकॉर्ड डेट पे होते तो आपका 7 शेयर्स बायबैक में इजीली, मतलब मिनिमम 7 शेयर्स आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमने 20 अकाउंट में 7 शेयर्स ले लिए हैं, मतलब 61 शेयर्स लिए हैं, और हमको फ्यूचर और इक्विटी दोनों को स्क्वेयर अप कर देना है और सिर्फ 7 शेयर्स पर अकाउंट रखना है, वो हम आराम से इजीली 100% हमारा बायबैक एक्सेप्टेंस में चला जाएगा। उसके लिए हमने एक स्टडी पर्पस के लिए लास्ट 2018 का भी एक सभी आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट 2018 में बायबैक आया था, इस टाइम यहाँ कंपनी ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया गया है, आप यहाँ रीड कर सकते हो। बेस्ड ऑन द अबोव एंड अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 6 ऑफ द बायबैक रेगुलेशन 4,12,500 शेयर्स हैव बीन रिजर्व फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द जनरल कैटेगरी ऑल अदर देन द इक्विटी शेयर होल्डर कंसिस्ट ऑफ 23,37,000। सो आउट ऑफ इट रिजर्व कैटेगरी फॉर शेयर स्मॉल शेयर होल्डर 7 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 61 शेयर हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट, यानी आपके पास 61 शेयर्स है तो आपका 7 शेयर्स ऑन
ओपनिंग ऑफ दी बाई बैक वो इजिली 100% चले जाएंगे। तो आपके डीमेट में सिर्फ 7 शेयर्स ही रखना है, आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपका ये पूरा पूरा जो 7 शेयर है वो पूरा चला जाएगा। तो अभी हमारे लिए बेस्ट ऑफर क्या बन सकती है, हमको 3 जुलाई को इंटाइटलमेंट रेशियो की वेट करनी है। समझो इंटाइटलमेंट रेशियो ऐसा आता है कि 90 शेयर्स में 8 शेयर्स कंपनी का मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, या तो कोई भी मतलब 7 शेयर्स 61 पे लास्ट टाइम था, इस टाइम समझो 7 से 8 से 9 से 10 आ जाता है, ऐसा कोई एंटाइटलमेंट रेशियो मतलब अच्छा आ जाता है कि समझो 120 शेयर्स पे 13 शेयर चला जाएगा, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अभी आपको करना क्या है कि जो भी मतलब शेयर 61 पे 7 है, इस तरह समझो 100 पे 9 शेयर्स का रेशियो आया, तो हमको 1400 हमको करना क्या है, 1400 डिवाइडेड बाय 9 करना है, इतना हमारे पास अकाउंट मतलब 155 शेयर्स हमारा चला जाएगा। तो इसी तरह हमको 20 अकाउंट्स है, तो इच अकाउंट में हम 7 शेयर्स रखते हैं तो हमारा 140 शेयर्स इजीली सिलेक्ट हो जाता है। हमको 61 शेयर्स पर अकाउंट लेना है। तो अभी आने वाले टाइम में हमको ऐसी एक हाइपोथेटिकल अभी सिचुएशन हमने जो क्रिएट की है उसमें एक्चुअल वर्क करना है, तो हम पर अकाउंट 100 शेयर्स लेके रख सकते हैं। समझो पर अकाउंट 100 शेयर्स लिए, उसका अगेनिस्ट हमने 14 अकाउंट पे एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया है, तो हमारा पूरा 14 अकाउंट पे एक फ्यूचर मतलब एक परफेक्ट आर्बिट्रेज हो जाता है। हमारा ये जो 4% का प्रॉफिट आया वो भी मतलब इंक्रीज हो सकता है। समझो जुलाई 3 को ये जो हमारा केस टू एफओ है वो अभी 16 रुपये डिस्काउंट चल रहा है, वो समझो रिड्यूस होने के बाद 8 रुपीज़ हो जाता है, तो हमको 8 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो हमारा इतना 8 रुपीज़ से हमको फ्यूचर लेस प्राइस पे बाय करने को मिलेगा, या तो इक्विटी कॉस्ट अप में सेल करने को मिलेगा। तो अभी हमने प्रीमियम डिस्काउंट जो फ्यूचर केस का है वो हमने 0 काउंट करके पूरा सिनेरियो निकाला है। जो भी मतलब डिस्काउंट बचता है जून 3 को वो हमारा एक तरह प्रॉफिट रहता है। तो हमारा जो 4% है प्रॉफिट वो 5, 6, 7% तक भी चला जा सकता है। तो अभी हमारे पास इंटाइटलमेंट रेशियो अप जैसे जितना अप आता है वो हमारे लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अभी हम 10-20 अकाउंट है तो हम 100-100 शेयर लेके उसके सामने फ्यूचर शॉर्ट करके एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए जस्ट डायल का शेयर रखना है तो आप बाय करके आपका जो भी एंटाइटलमेंट एक्सेप्टेंस रेशियो 20% आता है उस हिसाब से आपको दे देना है शेयर, और उसका जो प्राइस मूवमेंट आता है अप या डाउन वो आपको पूरा पूरा मतलब बियर करना रहेगा। अभी के दिन पे ड्यू टू द एक्सक्लूजन फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन वी कुड नॉट एबल टू प्रोसीड द परफेक्ट आर्बिट्रेज प्रोसेस हियर। सो अभी आप आज के दिन हमने जो भी डिस्कशन किया वो आप लोगों को समझ में आ गया है, इस उम्मीद के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले टाइम में देखते हैं कि एंटाइटलमेंट रेशियो क्या आ रहा है और कैसे हमको उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। आप अपनी स्टडी करना है, मैंने मेरी स्टडी आपके